वेलकम टू द क्लास क्लास 8 ऑफ जे एन वी पिथौरागढ़। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की क्या पहचान होती है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैज ऑलवेज पेयर्स ऑफ लाइक प्राइम फैक्टर्स इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके प्राइम फैक्टर्स जो होंगे एक जैसे दिखने वाले, यानी कि लाइक फैक्टर्स जो है पेयर में होंगे। जैसे कि हमें पता है 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट आया 12, है ना, एक कंप्लीट होल नंबर आया। तो जब हम 144 के प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं तो हम पाते हैं कि 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो आप देखिए कि लाइक फैक्टर्स के पेयर बनते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके प्राइम फैक्टर्स हमेशा लाइक फैक्टर्स के पेयर में होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को हम करेंगे बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये जो नंबर दिए हैं, ये जो 6 नंबर दिए हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये देखिए 2 और 8 से एंड हो रहे हैं ना। 2, 8 या ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड होने वाले नंबर है ना, कि परफेक्ट स्क्वायर तो हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा, तो आपको पता करना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा, मल्टीप्लाई करने का जो स्क्वायर नंबर आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड करिए कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 252 है, तो पहले हम क्या करेंगे 252 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, और देखते हैं कि कौन सा फैक्टर या कौन सा फैक्टर जो है पेयर में नहीं है, उसी फैक्टर का आप मल्टीप्लाई करेंगे। कहने का मतलब ये है पेयर पूरा करेंगे। ओके, तो 2 से 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 6 × 12, राइट। फिर 2 × 2 × 6 × 12 × 2 × 3 × 6, फिर अब ये 3 से गया 3 × 2 × 6 × 3 × 3, फिर 3 से और ये 7। तो आप क्या देख रहे हैं, इसके फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब आप देख रहे हैं कि इसको अगर ध्यान से देखें तो फैक्टर जो 7 है उसका पेयर नहीं है। ओके, तो आप देखेंगे प्राइम फैक्टर 7 इज नॉट इन पेयर। तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने ऊपर देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है प्रत्येक लाइक फैक्टर पेयर में होना चाहिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, 252 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, इफ वी मल्टीप्लाई सेवन टू 252, इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो 252 × 7, ओके, तो 252 × 7 आपका कितना हो गया, 252 × 7 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो आप लिखेंगे 1764 का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो आप देखिए फैक्टर्स तो 252 के हमने ये निकाल ही रखे थे, है ना, ये 252 के फैक्टर्स थे, इसमें एक 7 और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 2 × 3 × 7, जब हम कैसे निकालते हैं, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो लाइक फैक्टर्स का पेयर बनाते हैं, प्रत्येक पेयर में से एक नंबर बाहर ले लेते हैं, तो ये आ गया 42, राइट, इस तरह से बच्चों। ठीक है ना, इस तरह से करना, जो पेयर में नहीं है जो फैक्टर उसी का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे 180 है, 180 के फैक्टर्स आपके पास आएंगे। 180 का मतलब होता है फैक्टर्स होंगे 2 × 2 × 2 × 4 × 3 × 12 × 18 × 19 × 2 × 9 × 18 × 5, ये आएंगे फैक्टर्स। तो आप क्या देख रहे हैं, 5 कॉमन पेयर में नहीं है, फैक्टर 5 इज नॉट इन पेयर। सो
टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर वी मल्टीप्लाई 180 विद 5। तो क्या मतलब हो गया, 180 इंटू 5 दैट इज 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये कहने का मतलब है तो स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, सिंपली राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 900, यू गेट 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 30। ओके, लाइक दिस यू हैव टू डू, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अच्छा, पिछले दिनों एक करेक्शन हो गई थी, थोड़ा सा जंबल हो गया था। एक्चुअली यहाँ पे जो है 7744 के फैक्टर लिखे मैंने, और यहाँ बताया मैंने 4096, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ओके, अच्छा 4096 का फैक्टर्स ये आए, ठीक है, तो स्क्वायर रूट उसका आया 64, 774 का स्क्वायर रूट आया 88। ठीक है, फिर आपने किया होगा 9604 के फैक्टर किया आपने, ठीक है, 2 × 2 × 7 × 7 × 7, तो प्रत्येक पेयर में से एक एक बाहर आ गया, स्क्वायर रूट साइन हट गया, तो 98 आया होगा, है ना। अच्छा 5929, तो पहला प्राइम नंबर यहाँ 7 से डिवाइड होगा, ये तो 7 × 7 × 11 × 11, तो 77 आया होगा। 9216 का स्क्वायर रूट आया होगा 96, ठीक है, ये फैक्टर्स आपने किए होंगे, 1 2 3 4 5, 2 के 5 पेयर बने और 3 का एक पेयर बना होगा, तो 96 स्क्वायर रूट आया होगा, प्रत्येक पेयर से एक एक नंबर बाहर लिया होगा स्क्वायर रूट से, है ना। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैं इसका फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ, 2028, मान लीजिए मैं इसका फोर्थ पार्ट ले लेता हूँ, तो पहला काम क्या करेंगे हम, जो नंबर दिया है उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करिए पहले, तो भाई इस तरह से प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हुए चलिए। ओके, तो अब ये 3 से जाना चाहिए, फिर 13 से, फिर 13 से, तो आप देख रहे हैं कि 2 × 2 × 3 × 13 × 13। अब आप ध्यान से देखिए, 3 इज नॉट इन पेयर। ओके, तो इफ वी मल्टीप्लाई 3 × 2028 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 2028 इंटू 3 करके देखिए, 2028 इंटू 3, 3 × 24 कैरी ऑन 2, 3 × 6 × 2 = 8, 3 × 20 = 60, तो 6084, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 2 × 2, क्योंकि हमने 3 मल्टीप्लाई कर लिया है ना, तो क्या आया 2 × 3 = 6, 13 × 6 = 78, 2 × 3 × 13 दैट इज 78 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 6084, राइट, इस तरह से। अब जैसे 1458 है, फिफ्थ पार्ट है ना, 1458 के फैक्टर करके देखिए, फर्स्ट बाय 2 इट विल गो, 2 × 7 = 14, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, देन इट विल गो बाय 3, अगेन बाय 3, सो 3 से ही जाएगा अभी। ओके, तो फैक्टर्स क्या है, 2 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये फैक्टर्स आए, तो लाइक फैक्टर्स के पेयर देखिए, 3 के तो सबके पेयर हैं, 2 का पेयर नहीं है, 2 इज नॉट इन पेयर। ओके, तो लिखेंगे सो वी मल्टीप्लाई 1058 बाय 2 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि दैट इज 1458 इंटू 2, 1458 इंटू 2 या 2916,
इज परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2916 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया बस, है ना। तो फैक्टर्स तो हमारे पास पहले से बने बनाए हैं, हमारे पास दोबारा करने की जरूरत नहीं है, केवल आप एक 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से देखिए प्रत्येक पेयर से एक एक फैक्टर, एक एक लाइक फैक्टर, एक जैसा फैक्टर, है ना, लाइक फैक्टर होता है एक जैसा, इस पेयर लाइक फैक्टर्स के पेयर में से एक बार निकालते हैं। ओके, तो 2, 3 जा 6, 3 जा 18, 3 जा 54 आ जाएगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर होल नंबर मल्टीप्लाई करना था। इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर टू बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो जो पेयर में नहीं होगा, जो नंबर पेयर में नहीं होगा, जो प्राइम फैक्टर पेयर में नहीं होगा उसी से डिवाइड कर दीजिए। जो प्राइम फैक्टर पेयर में नहीं होगा उसी से डिवाइड कर देंगे तो आपको आपका स्क्वायर रूट नंबर मिल जाएगा, है ना। जैसे 252, ये तो पहले क्वेश्चन में भी था, इसके फैक्टर्स क्या आए थे, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। ओके, तो सिंस 7 इज नॉट इन पेयर ऑफ इट्स प्राइम ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252, तो लिखेंगे इफ वी डिवाइड 252 बाय 7 वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सो 252 डिवाइड बाय 7, तो 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ये तो है। दो ही चीजें हो सकती है ना, या तो आप जोड़ा बनाने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पेयर में जो लाइक फैक्टर्स है बने रहेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू फैक्टर्स ये हो जाएंगे, है ना, इसमें से 7 हट गया है, इस वाले प्राइम फैक्टर में से 7 हट गया है ना, 7 से डिवाइड कर दिया था हट गया, तो 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है 6 होता है ना, इस तरह से। ओके, जैसे हम ले लेते हैं 2925, सेकेंड वाला ले लेते हैं 2925, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं बच्चों। 2925, तो पहले देखिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, अब देखिए सम ऑफ डिजिट्स करके देखिए, 9 × 2 = 11 + 2 = 13, 13 + 5 = 18, तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 × 9 = 27 बचा 2, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, फिर 3 से जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, अब ये 5 + 2 = 7 + 3 = 10, तो 5 से जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है ना, 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, अगेन बाय 5, 5 × 13, 13 × 13। तो आप क्या देख रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2925 आया 3 × 3 × 5 × 5 × 13। तो आप देखिए 13 इज नॉट इन पेयर। ओके, सो वी डिवाइड 2925 बाय 13 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या आया, 2925 डिवाइड बाय 13, तो क्या आएगा, 13 × 2 = 26, 225 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 225, फैक्टर्स तो आपको पता ही है, 13 हटा दीजिए वहां से, है ना, 5 × 5 = 3 × 5 = 15 आ गया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करिए, ये दोनों मैंने बताया, इसी तरह से ये करने हैं। ओके, इसी तरह से ये भी करने हैं बच्चों। ठीक है, और पीरियडिक रिटर्न टेस्ट 1 में मैंने आपको 3 चैप्टर्स दिए हैं, में से क्वेश्चंस बनाऊंगा। एक चैप्टर तो हो गया आपका पहला वाला रैशनल नंबर्स, दूसरा हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तीसरा हो गया अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, ये हैं। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करिए और टेस्ट में अच्छे नंबर लाएंगे बच्चे आप लोग। प्रत्येक स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है टेस्ट में, पीरियडिक रिटर्न टेस्ट 1 है बेटा। ठीक है,
ये नंबर इंटरनल के ऐड होंगे। ओके, थैंक यू।